सोनीपत की खान कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के दो गुटों में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा बहुत ही कम समय में खूनी रूप में बदल गया और इस झगड़े में दोनों गुटों के 6 लोग घायल हो गए, वहीं एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार के अनुसार पहले दूसरे परिवार ने एक ऑटो से उनकी रेहड़ी और पानी की टंकी को टक्कर मारी और उसके बाद तेज धार हथियार और लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरों में दिखाई देने वाला ये नज़ारा सोनीपत की खान कॉलोनी का है। यहीं पर दो परिवारों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े में दोनों परिवारों के 6 लोग घायल हुए। वहीं निर्मेश नाम की महिला को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि 2014 में उनके यहाँ एक छोटा सा बच्चा आपस में गाली गलौज कर रहा था, लेकिन दूसरे परिवार ने सोचा कि वो उन्हें गालियां दे रहा है और झगड़ा हो गया। उस झगड़े का मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं उसी परिवार ने देर रात पहले ऑटो से उनके पानी के टैंकी को टक्कर मारी और तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। सभी ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद निर्मिश की मौत हो गई। निर्मिश के सिर और गर्दन में रॉड से हमला किया गया था। वहीं पर करमवीर और सुमन और निर्मिश के पति पर भी हमला किया गया, जो घायल हैं। वहीं पूरे मामले में एक बार फिर साबित हुआ है कि आपसी रंजिश कितनी खतरनाक हो सकती है। वहीं महिला की मौत के बाद 4 मासूमों के सिर से मां का साया उठ गया। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। पहले छोटा एक बच्चा था 4-5 साल का, उसको गाली गलौज करता था घर में। वो बच्चों से गाली गलौज करते करते पड़ोसी सोचने लगे कि ये हमें गाली देते हैं। उसका बहाना लेकर के वो घर में घुस करके मारा पीटी चालू कर दी। पहले भी इस भाई का परवीन का सिर फोड़ दिया और करमवीर का सिर फोड़ दिया, उसकी घरवाली को भी मारा और अब भी सिर फूटा गया है। और उसमें पिछली बार जब 2014 में जब करी थी हमने कानूनी कार्रवाई, तो जो पुलिस वाला था उसको पैसे खिलाए गए और पुलिस वाले ने उसका साथ दिया पूरा। उसके रिलेशन में था वो पुलिस वाला और उल्टा कहता था जब हम जाते थे वहाँ उसमें जाते थे पक्ष में, तो कहता था कि तुम बोलोगे तो तुम्हें भी हम बंद कर देंगे, जाके मार कटा करके ला। कल क्या हुआ भाई, कल क्या हुआ? कल ऐसा हुआ, कल इसने हमारे पास फ़ोन करा, ये कोई 10:30-11 बजे कि भाई मेरी वाइफ अगर ऐसे ऐसे हो गए हम आए। इसने बताया कि भाई 10-20 जने थे, 2 ऑटो में भर के आए, पी रखी थी दबा करके, गाड़ी में मारी मेरी, भाई की रेहड़ी में मारी और पानी की टंकी भरी थी उसमें मार के टक्कर वो इधर गई। और लड़ाई में इसको इसकी वाइफ बचाते बचाते बेचारी खुद वो सिर में रोड मारी है 2 बार, एक यहाँ लगी हुई है यहाँ से, तो ये फट गया है, दूसरी यहाँ मारी है, घर के अंदर घुसे हैं। हाँ, गर्दन टूट गई है, घर के बाहर में मतलब, और गर्दन टूट गई है, ये यहाँ से गर्दन टूट गई है। गर्दन टूटने के बाद में सुबह के टाइम में हमने सब ने खून ब्लड पड़ा हुआ था, ब्लड भी पानी से धुलाई कर। क्या नाम था जो मरी है? उसका नाम था निर्मेश। आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार। एक आदमी अपना ऑटो लेकर कॉलोनी में जा रहा था, खान कॉलोनी में। रास्ते में करमवीर की अंडों की रेहड़ी खड़ी थी, वो ऑटो रेहड़ी से टकरा गया, जिस बात उनकी आपस में कहा सुनी होगी, दोनों एक ही परिवार हैं, सासताऊ के हैं। उसके बाद दोनों तरफ से झगड़ा हुआ और इस झगड़े में निर्मेश नाम की लेडीज है, उसकी मौत हो गई, उसके सिर में लाड़ मारी गई है। 7-8 आदमियों के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है। फिर चोट भी लगी है? हाँ, 3 एक तरफ से चोटे हैं, 3 आदमियों को 3 एक तरफ से चोट हो गई है। सर पहले भी कोई झगड़ा बता रहे हैं इनका? पहले का उन्होंने हमारे को बताया, 2014 में कोई झगड़ा हुआ था, वो कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें इसी में आगे चलते हुए हमने अभियोग दर्ज करके 3-4 आदमियों, 7-8 आदमी हैं जिनके खिलाफ अभियोग अंकित किया है और शीघ्र इन आदमियों को गिरफ्तार किया जाएगा।